Welcome students in the chemistry class. Today I have to finish the third chapter, that is metals and the non-metals. We have studied a lot about the metals and the non-metals. Today the topic we are discussing, that is how metals and non-metals react with each other. So as you know, metals are इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये आप पढ़ चुके हो कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स इजली. कॉन्फिग्रेशन इज लाइक दैट, देन इट बिकम्स टू इट. एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. सो ये जो इनका नेचर है यही डिसाइड करता है कि कंपाउंड किस तरह से बनेंगे. एंड इन द लास्ट क्लासेस यू ऑल्सो गॉन थ्रू द कॉन्फिगरेशन एंड वैलेंसी पार्ट. आपने कॉन्फिगरेशन भी सीख लिया है, आपने वैलेंसी भी सीख लिया है. अब आपको मालूम है कि किस तरह से इसको हैंडल करते हैं. अब हमको जब बात करनी है कि कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो पहले ये पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर पता लग गया तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या है. कॉन्फिगरेशन क्या है तो कितने इलेक्ट्रॉन वो अगर मेटल्स है तो लूज करेगा, नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो यही वो चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 एंड इट्स कॉन्फिगरेशन इज 281. सो इट गिव्स आउट वन इलेक्ट्रॉन एंड मेक सोडियम आयन. And the chlorine is a non-metal, which is having atomic number 17. Configuration 287 gives out, it takes the one electron and makes a chloride ion and 28 electronic configuration. So this is the way they are taking or losing the electron. Some other elements are there like magnesium. Magnesium is a metal. Its electronic configuration is 282 because it is a metal. It gives out the two electrons like that. तो ये क्या है? Metal है. Then you have the sulfur. Sulfur is a non-metal. इसमें जो sulfur है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एस माइनस टू इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ये बना देगा. इसका जो कॉन्फिगरेशन है ये है 286. ये हो जाएगा 288. तो दिस इज द बेस. अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कौन है ये? तो इसमें देखिए, एक इसमें डोनर है और एक इसमें एक्सेप्टर है. तो डेफिनेशन में कहते हैं व्हेन द केमिकल बॉन्ड, व्हेन द केमिकल बॉन्ड is formed by transfer of electrons from the by transfer of electrons from the atoms of metal
एंड अनदर एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. सो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स ऑफ मेटल टू नॉन मेटल देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन हो गई है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है. अब देखिए तो यहां पे अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड कैसे बन रहा है ये हमको देखना है यहां पे. एज वी हैव सीन सोडियम 281 कॉन्फिगरेशन गिव्स आउट वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन 287 टेक्स द इलेक्ट्रॉन. सुनो बोथ द आयंस आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्जेस. इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ नेगेटिव चार्ज. सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन देम. अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें, देन वी सी दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सोडियम एंड द क्लोरीन. टू 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 सेवन इलेक्ट्रॉन्स आर हियर. हियर यू हैविंग द वन इलेक्ट्रॉन. सो दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू द सीएल एटम एंड बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम सोडियम टू द क्लोरीन इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सीएल बिकम्स सीएल माइनस. सो वी गेट द NaCl और हमको मिल गया यहां पर NaCl मिल गया हमको यहां पर. ये NaCl हमको जो है जो मिला है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से मिला है. इसी तरह से हम पोटेशियम क्लोराइड भी बना सकते हैं. अब हम अगर बनाना चाहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है और क्लोरीन का हम देख ही चुके हैं. तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा. और हम जानते हैं कि जो क्लोरीन है उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है अपने कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए. तो 7-7 हो गए, ये इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट यहां हो गई, इसकी प्लेसमेंट यहां हो गई. Mg ने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसके बाद प्लस टू चार्ज आ गया और यहां जो Cl थे वो दो नेगेटिव के हो गए और हमको मिल जाएगा यहां पर MgCl2. ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड. तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर इसने लूज किए हैं. अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO.
एम जी दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में आउटर शेल में, और ऑक्सीजन के जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है वहाँ पर हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-6 एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर मिल जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों पेयर जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर मैग्नीशियम के पास में +2 चार्ज, ऑक्सीजन के पास में -2 चार्ज, और ये बन जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं हमें पहले उसके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पता होना चाहिए, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल, देन वी विल डिसाइड अबाउट द हाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस। दिस इज अ वे वी मेक दीज कंपाउंड्स। नाउ विल गो फॉर द प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी क्या है इसकी यहाँ पर। तो जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, अब आयंस की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, इस आयनिक फॉर्मेशन में सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनी कंपाउंड है ये जैसे नाम से क्लियर है कि आयंस की फॉर्मेशन से बने, और एक इसमें पॉजिटिव आयन है और एक इसमें नेगेटिव आयन है। तो जो मेटल्स हैं यहाँ पर वो पॉजिटिव आयन का फॉर्म ले लेते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं दे बिकम नेगेटिव एयर। तो इसको देखते हुए अब हम बात करेंगे यहाँ पर, पहली बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। कैसी है फिजिकल स्टेट इसकी? तो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या है, दे फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं ये रादर देन एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स नहीं बनाते हैं ये क्रिस्टल्स बना रहे हैं यहां पर। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो क्रिस्टल्स आप उसको कह सकते हो कि इस तरह से जैसे कि आप क्यूब देखते हैं, ये क्यूब की फॉर्मेशन है यहां पर। इस क्यूब की फॉर्मेशन में यहां पर आपको एक आयन मिल जाएगा, एक आयन आपको यहां मिल जाएगा, एक आयन यहां मिल जाएगा, ये आयंस यहां पर प्रेजेंट हैं यहां पर इसके अंदर। तो अलग अलग लेयर्स में अलग अलग आयंस यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। तो ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयंस प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम जो कॉर्नर्स पे मैं आयंस को जो दिखा रहा हूँ, सपोज करिए जो डार्क कलर के जो आयंस हैं ये क्या हैं, Cl नेगेटिव आयन है। मैं सोडियम को अगर यहाँ पे लेना चाहूंगा तो मैं व्हाइट सर्कल से दिखा देता हूँ कि ये सोडियम के आयंस हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। इसके बीच में इस तरह की और भी लेयर्स हम बना सकते हैं यहाँ पर इसके बीच में। अब इसमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस तरह से क्रिस्टल बनाते हैं, उसमें NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है,
या सोडियम नाइट्रेट है, ये सारे के सारे इसी तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, वी नो दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर इजिली सॉल्युबल इन द वॉटर। रीजन इज दैट वॉटर इज ऑल्सो ए पोलर कंपाउंड। जो वॉटर है इज ए पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि वॉटर में आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। यहां पर इसके बीच में जो पेयरिंग है, यहां पर जो फॉर्मेशन होती है, तो ये ऑक्सीजन एटम इन दोनों के बीच में होने वाली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह से यहां पर भी तो होता क्या है कि ये इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर ये स्मॉल चार्ज होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाते हैं, उसको कहते हैं द पोलैरिटी इज डेवलपिंग ऑन द वाटर मॉलिक्यूल। अब जब भी हम लोग यहां पर कोई आयनिक कंपाउंड इसमें डालते हैं तो व्हाट हैपेंस, आयनिक कंपाउंड ब्रेक्स और डिसोसिएट इन वाटर। ये वाटर में डिसोसिएट कर जाता है। इसका रीजन ये है कि ये आयंस हैं, ये आयंस से मिलकर बने, तो वाटर में जाने के बाद में ये एनए आयन और ये नेगेटिव आयन इस तरह से बन जाते हैं। तो जो क्लोराइड आयन है ये चला जाएगा जहां पर पॉजिटिव पार्ट है इसका वाटर का ये, और जो पॉजिटिव पार्ट इसका है सोडियम का, ये वहां चला जाएगा जहां पर इसका नेगेटिव पार्ट है वाटर का। तो अगर कहीं पर ये आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में इसको, तो जो सोडियम है वो डायरेक्ट हो जाएगा वाटर की तरफ और जो क्लोराइड आयंस हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं एच की तरफ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये ब्रेकअप हो जाता है और इजिली ये डिसॉल्व हो जाते हैं वहां पर। तो फोर्सेज जो है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, यहां पर लग रहे हैं इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट देयर। ये फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं और ये डिसॉल्व हो गया सॉल्ट हमारा वाटर में। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी हमको मिल जाती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं इसके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं हाई टेम्प, इसका जो है टेम्परेचर सही होता है अगर इसको मेल्ट कराना है। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई फॉर आयनिक कंपाउंड्स। दोनों की, ये दोनों चीजें हाई होती हैं यहां पर। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्ट से मतलब NaCl, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 1074 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है, काफी हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है। और इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन 1686 केल्विन है। अब एक और प्रॉपर्टी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स है वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो अगर ब्रिटल का क्या होता था कि अगर हैमरिंग करते तो ब्रेक हो जाते थे, टूट जाते थे वो। तो प्रॉपर्टी यहां पर इसमें
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है इसमें, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहां पर कंडक्शन की, यानी कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एनी कंपाउंड। तो कंडक्शन के लिए ये जरूरी है कि अगर हम कोई भी बीकर लेते हैं और इसमें हमने दो रॉड्स लगा दी, यहां पर सपोज करिए ग्रेफाइट की दो रॉड्स लगा दी, हम एक एक्टिविटी से शो करना चाह रहे हैं, यहां पर ये ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, ये रॉड्स हमने लगा दी हैं और ये बैटरी प्लस प्लस और एक साथ में हमने यहां पर लगा दिया बल्ब, और इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया हमने इस ग्रेफाइट रॉड से सॉरी इसमें लिक्विड फिल्ड अप है हमारे पास में, यहां पर हमने सोडियम क्लोराइड का एक लिक्विड बनाया है, यह सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहां पर दो हमारे इलेक्ट्रोड बन गए हैं, एक इलेक्ट्रोड हमारा यहां पर कैथोड है और दूसरे को हम कह रहे हैं यहां पर एनोड। तो जो भी इसमें Na आयन प्रोड्यूस हुए हैं और Cl आयन प्रोड्यूस हुए हैं, हम यहां पर अगर इसको की को लगा देते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, और इसकी ग्लोइंग देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ कंडक्शन हो रहा है। सो वी से दैट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं यहाँ पर, और वाटर में जाने के बाद में इनका आयनाइजेशन हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, तो जो सोडियम आयन है वो चले जाएंगे नेगेटिव पार्ट की तरफ, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, तो सीएल चला जाएगा यहाँ पर और एनए प्लस चला जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से कंडक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज के। ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका यहीं पर, अब इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। ओके।